चैनल वेखने वाले सारे दर्शकों प्यार से सत श्रीकाल सलामकुम नमस्कार। खास अं अज पहुंचे हैं लुधियाना शहर के वक् वक् कलोनिया और महावीर जी जो कलोनी हैगी इतने नाल ही महला निवासी जो देख सकते हैं नाल खलोते हुए हैं और उन्होंने को पुछते हैं कि हालात ने जिस तरह कि इतने अं देख सकते हैं कि गंदला पानी जो स्क्रीन में जो नज़र आ रहा उसके नाल ही अं देख रहे हैं कि जिस तरह इतने महला निवासी भी काफ़ी जो इस टाइम नज़र आ रहे हैं खलोते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी गलबात जी सामने रख रहे हैं कि इतने के जोड़े कि हालात ने बहुत बदतर हो चुके हैं। इस वास्ते ही वक् वक् महला निवासियों ने गलबात कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि गल है। हाँ सर अपना नाम की जी? नमस्कार सारे जी, मेरा नाम बॉबी शर्मा जी। और कितों रहने वाले हो? अं प्रभु नगर भामिया खुरद महावीर कॉलोनी के वासी हैं जी। हाँ जी। और असी सब तो पहला तो धन्यवाद करते हैं थोड़ा जी मीडिया वाले का जिहड़ा कि साडी पुकार सुन के तुसीं आए हो। असी नरक भरी जिंदगी से जींदे पे साडे रहन इन्ना राह बंद होए पे आ, इह काम ते नहीं जा सकते घरों, इन्ना बुरा हाल होया। मैं ये बेनती हाँ पहला किन्नी वारी पहला कुलवंत सरपंच हुंदा सीगा उन्हां नूं करदे पए सीगे वी हाँ प्लीज़ साडा इह सीवरेज पाया जाए क्लाइम ताकि अं इस नरक की भरी जिंदगी तो छुटकारा पा सकी, बट उत्थे कोई सुनवाई नहीं हुई। उस तो बाद अं बेनती की कांग्रेस सरकार वेले कि हाँ भी साडा सीवरेज पाया जाए, लोग इतने इन्ने वासी ऐसे बैठे हुए जो कलोनी नवीं कट्टी सीगी उदो समझ आती ही, हम तो इन्ना वासी इन्ना पूरा घर बन चुके ने, सब आ चुके ने, इन्नी वसो हो चुकी है, तो भी हम इतने कोई सुनवाई नहीं हैगी। जिते गेड़े मारते पे हैं हूँ लोगों ने बदलाव के चक्कर आम आदमी पार्टी को वोटा पाइया सगिया, वोटा पाने तो बाद असी यह सोचा कि नवा बदलाव आऊगा साडा कोई नरक जो अं जींदे पे इन्ने साल के वो थोड़ा जहा छुटकारा मिल जूगा, बट मैं अफसोस ना कहना पै रहा कि यह बदलाव साढ़े वास्ते तो बिल्कुल उदा ही होर घटिया काम हो गया जहाँ कि सा अज भी नरक भरी जिंदगी जींदे पे। असी बेनती करते हैं साढ़े इतों के हल्का के जोड़े एम एल ए साहब ने हरदीप मुंडिया जी कि थोनों ही हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी साडा इस महल वासियों का थोड़ा जहा ध्यान दौ। एक साड़ी लैन 500-600 फुट की सीवरेज पीती है, प्लीज़ वह पा दो ताकि अं इस गंदे पानी तो राहत मिल सके। और एक खास गल देख सकते कि जिस तरह बदलाव की जो गल की है सर उन्होंने कि बदलाव जोड़ा कि झाड़ू का असर भी नहीं होया और देख सकते हैं कि झाड़ू इतने नहीं फिरया है जिदा दस रहे हैं महला वासी, तो इतने उस तरह के ही हालात चल रहे हैं। कितना कितने लोड़ हैगी कि एक और मेडिकल सहूलतों की वो बारे भी जानकारी पूछते हैं कि मेडिकल सहूलतें तुहाडे इलाके जी किदां दी चल रही हैं? सर इतने बस कह दिया गल् जी क्योंकि जो कहें जी महला क्लीनिक खुले हुए हैं साढ़े इस पूरे एरिए एक भी महला क्लीनिक नहीं है, सिर्फ सिवाए गलों के सिवाए झूठे प्रचार के आम आदमी पार्टी ने फिलहाल कुछ नहीं किया जी। उम्मीद सी पब्लिक न कि बदलाव के चक्कर में कि दूसरी पार्टिया ने नहीं किया, ये सरकार कुछ करूगी, लेकिन अफसोस ना कहना पै रहा जी ये जे बड़े प्रचार के बोर्ड होर्डिंग लग चुके हैं कि महला क्लीनिक 100 खुल गए या होर आ करता 1000 रुपये लेडीज खाते च भी आ चुका, बिजली फ्री ना किसी बिजली फ्री हुई है ना कोई महला क्लीनिक खुला जी, इतने मेडिकल सुविधा बिल्कुल जीरो के नाम के उपर आ। और आम बेचारा आडा जो एरिया वा ये प्रवासी एरिया ज़्यादातर बेचारे गरीब लोग ने जो मेहनत कश बंद ने बेचारे कमाई रोज़ खाते रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, उन्होंने वास्ते जे कोई बीमारी शमारी हो जाती है इतने ना कोई फॉगिंग का सिस्टम है, मक्खी मच्छर का बुरा हाल आ। मक्खी मच्छर क्यों आते हैं कि यहोजी गंदगी करके जी गंदी करके मक्खी मच्छर पैदा होंगे आ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुरा हाल है। और बड़ी दुख की गल हैगी दुखान की गल हैगी कि जो कि प्रवासी भारतीयों वास्ते भी इतने कुछ जोड़ा कि सुविधा नहीं है। एक रिपीट गल करना चाहते हैं कि 47 की वंड तो बाद जोड़ा कि 75 साल अज अं थोड़े दिन पहला भी 15 अगस्त 1947 तो बाद 75वां आज़ादी साल जो दिवस मनाया है, और देखा जाए कि असी अज आज़ाद है एक ये सवाल कितना ना कितने फिर दोबारा अं रिपीट कर रहे हैं कि 47 की वंड तो बाद जे जिस तरह कि पहला भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये सोने की चिड़िया के की अज ये जे हालात अं एक बार कैमरामैन फिर कहने दिखाना चाहते हैं कि जोड़े हालात इस टाइम बदतर बन चुके हैं कि 47 की वंड तो बाद दोबारा कि सानू ये जी सोने की चिड़िया जरा भारत आता है कि हूँ ये कि चोरों के बस आ गया कि जोड़े इतना की चोर बजारी करके जोड़े लीडर वा वो अपना पैसा जोड़ा ईमानदारी खर्च नहीं कर रहे। कुछ इसे प्रवासी भारतीय होर भी उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी अपना नाम की जी? जी सर। और जिस तरह कि इतने अं देख रहे हैं कि जो साफ सफाई के प्रबंध नहीं है जिस तरह गंदगी के हालात ने की कहना चाहिए? नहीं जी बिल्कुल नहीं है, सफाई सफाई के नाम से तो एक धोखा ही है समझ लो जी जी। इधर रोड तुम देखो बिल्कुल घटिया जी जी, काम हाले तक कुछ भी नहीं होया जी जी, पानी थोड़ा जा भी बारिश पै जाए बुरा हाल, लोगों का आना जाना बंद, काम तो असी जाना जा ही नहीं सकते, काम तो नहीं जा सकते, रोज़ कमाड़े वाले बंदे रोज़ कमाड़ा रोज़ खाना, जब काम ही नहीं करना उन्हें रोटी कितों मिलनी,
और एक खास गल होर कहना चाहते हैं कि जिस तरह इतने थोड़े नगर कौंसल के ज होर जो सरपंच जो साहब है इतने ढाडे आते कोई हालात देखने वास्ते? नहीं जी हले तक कोई नहीं आया। हाँ जी असं कितने बारी गए भी पर साड़ी सुनवाई नहीं होती। और जो थोड़े शहर के बहुत वे लैवल का मीडिया भी हैगा वा वे वे चैनल भी है वो इतने पहुँच नहीं की भी नहीं जी कोई नहीं पहुंचे जी कोई नहीं पहुंचे वे वे चैनल वाले तो पहुँचते ही। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल नहीं पहुंचे। और एक छोटी जी एक कोशिश की है मेरी पुकार सुनो यूट्यूब सैवन वालों की एक जो लोगों के जो हालात ने जिस तरह की बदतर जिंदगी आप बता रहे हैं उन्होंने एक जीवनी को कोई गलबात की जाए उन्होंने महला वास्ते कोई गल आवाज़ बुलंद की जाए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय जिस तरह की ये वीडियो जी सरकार तक जो साढ़े भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री साहब आ जा होर नुमाइंदे आ जा मोदी साहब ये वीडियो हुण तक पहुँचती है तो ये हालात जरूर वेखन तो इन्हों के वास्ते कोई बेहतर कर। धन्यवाद जी। लुधियाना की महावीर कलोनी में अज मेरी पुकार चैनल वालों अं आए हैं और देख सकते हैं कि साई साफ सफाई के की प्रबंध है और इतने साढ़े नाल एक सहयोगी जो कि इतों इस टाइम जो इस महावीर कलोनी तो जुड़े हुए इन्होंने पुछते हाँ जी अपना नाम की जी? नवाब है जी। और कितों के रहने वाले हो? महावीर कलोनी लुधियाना पम्मी। और दसोगे कि ये जी साफ सफाई अं देख रहे हैं तो किदा के प्रबंध इतने? इतने कोई प्रबंध नहीं है जी पानी बहुत भरता है जो पानी आता जो भी पानी भरया जाता इतने कोई साफ सफाई नहीं होंगी ना कोई इतने कोई आता सरकारी बंदा ना कोई करांदा नगर कौंसल दा पंचायत दा कोई बंदा इत्थे आउंदा होवे? कोई नहीं आंदा जी इत्थे कोई नहीं आंदा कोई जिस तरह इत्थे तुहाडे काफ़ी वड्डे वड्डे टीवी चैनल भी आ मशहूर चैनल आ जां उन्हां वल्लों कोई इत्थे बंदा तुहाडी खबर सार लैण वास्ते? अज तक कोई नहीं आया जी तुसीं आए पहली बार इत्थे। हाँ जी और कोई नहीं आया खबर लैण वास्ते असीं डुबदे हैगे तड़दे हैगे फिर भी नहीं आंदे साडे बच्चे स्कूल जाण किद्दां जाणगे पानी भरिया पिया इत्थे पूरा खड्डे गए रोड भी साफ नहीं हैगा। एक होर गल कहना चाहते हैं कि जिस तरह की एक जो हालात अं देख रहे हैं कि साफ सफाई के हालात नहीं है और बड़े बदतर हालात होए ने एक दसोगे कि जिस तरह मेडिकल हालात भी जिस तरह मच्छर या होर बीमारियों के हालात भी इतने वध रहे हैं की कहना चाहते खास? हाँ जी हाँ जी जो पानी होगा तो मच्छर होगा ही। हाँ जी हाँ जी तो मेडिकल दवाई की लैन जाइए अस्पताल के राह ही बंद है जो बुखार हो जाए तो गोली खा के सार दे असी तो। हाँ जी हाँ जी दवाई डॉक्टर को जा ही नहीं सकते। तुहाडे लागे कोई बेहतर हस्पताल हैगा जिहड़ा कि जिथे कोई इलाज वास्ते जो तुहाडे परिवारों वास्ते जी? नहीं जी नहीं कोई नहीं है जी इतने भगवंत मान सरकार वालों कहा जाता कि अं मोहल्ला क्लीनिक बना रहे हैं बेहतर इलाज दे रहे हैं लोगों दिन सुख सहूलत वास्ते काफ़ी प्रबंध कर रहे हैं तो भगवंत मान जी ने कोई फरियाद करना चाहते जी मुख्यमंत्री साहब न? हाँ जी फरियाद करना चाहते हैं साड़ी गलियां वधिया बनाओ रोड बनाओ वधिया। हाँ जी हाँ जी पक्के बनाओ साडे बच्चे स्कूल जाए कोई दवाई का खाना अस्पताल खाना खोलो असी भी तंग ना होइए असी किसी को कंप्लेट नहीं की जी। इदा आते है सरपंच साहब आके चले जाते बाकी कोई कंप्लेट असी कोई नहीं की ना मोहल्ले वाले करते कंप्लेट। एक और गल है कि जिस तरह कि इतने के मान योग सरपंच साहब जो है जो थोड़े इतने वोटों तो पहला मिलते ही हूँ भी कोई मिलने वास्ते आते जी? नहीं नहीं सानू नहीं मिले हले तक वो। और खास चलते हुए कोई गलबात जी कि मैसेज एक पंजाब सरकार के नुमाइंदियां नूं भी इतने के जो हालात बदतर हो चुके थे कोई तुहानू सुख सहूलत भेजे जाए? भेजे जाने तो असी कबूल करांगे सुख सहूलत आप भेजो असी कबूल करांगे असी आप कहिंदे आ भाई सानू भेजो कोई। एक होर चलते हुए कि 75 साल हो गए ने कि आजादी जो कि अं आजादी दिवस भी मनाया 47 की वंड तो बाद जे देख सकते हैं कि अज भी जे बदतर हालात सूबा पंजाब के काफ़ी इलाकों के है नजायज़ कब्जे का हो रहे हैं होर इस तों अलावा काफ़ी कुछ हो रहा पर जोड़े कि इस टाइम जोड़े उच्च अधिकारी है जोड़े छोटे इलाकों नहीं पहुँचते उन्होंने वास्ते अं देख रहे हैं स्क्रीन पर भी कैमरामैन साहब नूं अं कहने कि दिखायो कि इतने के बदतर हालात ने और देख सकते हैं गया कि 75 साल बाद भी अगर जे देश की आज़ादी तो बाद भी अज इत्थे दे बदतर हालात है तो अं भी कह सकते कि आज़ादी सानू नहीं मिली आज़ादी ना तो कुछ जिहड़ा कि 15 अगस्त को ढोंग रचाया जाता पर जे इतां दे हालात वेखदे हां कि आज़ादी के बाद भी 75 साल बाद कोई भी हालात नहीं। एक साढ़े नाल इतों के महला निवासी हो रहे उन्होंने पुछदे हां कि कहो जिहे हालात है? हाँ जी अपना बहुत बुरे हालात है भाजी बहुत बुरे हालात है। और कुछ जितना तुहाडे सरकारी नुमाइंदे सरपंच साहब इत्थे कोई आउंदे तुहाडे हालात देखण वास्ते? कदे आए नहीं कोई देखना देखना की है उन्होंने देखते नहीं कहीं। और जिस तरह की भगवंत मान सरकार वालों कहा जाता कि साढ़े वालों मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं या कुछ होर भी बनाए जा रहे हैं सुख सहूलत वास्ते कि थोड़े कोई मेडिकल सहूलत कोई मिलती है? देख लो तुम थोड़े सामने ही है कोई मेडिकल नहीं है कोई मेडिकल सहूलत नहीं, नहीं। तो साफ सफाई वास्ते नगर कौंसल वालों पंचायत वालों कोई बंदे इतने साफ सफाई वास्ते कदे नहीं आए असं 10-15 साल हो कदे कोई बंदे साफ सफाई नहीं देखे।
और एक चलते हुए कोई खास मैसेज कोई भगवंत मान सरकार अगे ज नुमाइंदे अगे जिहड़े इत्थे दे एमएलए साहब है सरपंच साहब है कि वह कोई आने तुहाड़े वास्ते कोई गल कोई जिहड़ी सुविधावां है जिस तरह आपां देख रहे हैं कोई साफ सफाई नहीं अगो सियाल दा दिन आने वाले ने मच्छर दे मलेरिया दे जां होर तरह दे जिहड़े कह सकदी बीमारियों नूं सद्दा दिता जा रहा जिस तरह आ पानी गंदला इहदे वास्ते कोई आ देखो सर जिहड़ी सीवरेज पाई है वह आपां आप दे पैसे ला ला के पवाई आ देखो आ जिहड़ी सीवरेज है लास्ट आए इत्थे उत्थे तक बनी हुई है सरकार वालों उत्थे मंदिर मंदिर कोल जिहड़ी मंदिर तो इत्थे तक आपां आप दे पैसे ला के सीवरेज बनाई है जिहदे विच कोई सरपंच साहब कोल कोई मदद नहीं मिली सानू पानी इकट्ठा हो रहा सी तां असीं इह सीवरेज आपां लवाई आप अगे कोई सीवरेज नहीं है इत्थे सीवरेज है ही नहीं यानी जो काम कराया तुहाडा कहिंदा मतलब अपने पल्लियों करवाया पल्लियों कराया आपां और बड़ी दुखां दी गल हैगी है कि लोगों जिहड़ा कि सरकारी सहूलतां जो बनदियां मिलनियां चाहीदियां जो अपने पल्लियों करवाउणियां पै रहियां बड़ी दुखां दी गल है जी कि सरकारी पैसा पास हो रहा तो कित्थे जा रहा जे उहदे नाल जिहड़ियां कोठियां बन रहियां लीडरां दियां जां होर बन रहियां ते उह पैसा कि उहनां ते खर्च हो रहा कितें ना कितें सरकारी नुमाइंदियां दे वल्लों जिहड़ा कि बजट पास किया जाता वह ऑडिट किया जाए वो पूछा जाए भी वह पैसा कितने खर्च होया इस नाल ही अं अपील करते हैं मेरी पुकार सुनो चैनल वालों कि जो महला निवासियों वालों एक फरियाद की गई है और इतने इस टाइम जोड़ा कि लुधियाने जोड़े इलाके है इन्होंने आके पहुँच की जाए तुम उन्होंने भी पूछते हैं। हाँ जी मैम आपका नाम की जी कुसुम कितों रहने वाले हो महावीर कलोनी से और जिस तरह महावीर कलोनी में जिस तरह गंदा माहौल वेख रहे हैं तो की कहना लोग देखिए रहे हैं कितना गंद में हम लोग बैठे हैं और न पानी में न सफाई है कोई मच्छर कभी कोई दवाई इलाज यहाँ कोई नहीं सुविधा है गंद में बैठे हैं और जहाँ कोई जैसे मोहल्ला क्लिनिक है जैसे बोल रहे हैं कि भगवंत मान साहब की जहाँ हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ बढ़िया डॉक्टर हैं यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी सफाई है कितना गंद है आप लोग खुद देख रहे हैं जी। हाँ 15 साल से ऐसे बैठे हैं गंद में कुछ भी नहीं आज तक नहीं मैं तो काफी समय से यहाँ हूँ बाकी मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ यहाँ कोई सफाई है नहीं। और एक खास बात ये भी कह रहे हैं कि हमने जहाँ के कौन सरपंच है उनको नहीं कभी देखा हमें मालूम ही नहीं है और बहुत दुख की बात है कि मोहल्ला वासियों के लिए जहाँ जो नुमाइंदे हैं वो कोई भी उनको जानकारी नहीं है और इसके साथ हम सरकार को एक अपील करना चाहते हैं मेरी पुकार सुनो चैनल 007 की तरफ से कि जहाँ जो उनके नुमाइंदे हैं लुधियाना के जो इस कलोनी में आकर देखें ताँ जो जहाँ के जो लोग हैं उनके दुख सुने तो उनका जो मुसीबत का जो हल निकले। धन्यवाद जी।